अच्छा लास्ट डे हम लोगों के जो टॉपिक थे। अच्छा आवाज क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं आवाज में? ओके नो सर। ठीक है। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कशन किया था लास्ट डे हम लोगों ये टॉपिक हो गए थे। ठीक है किस किस ने ज्वाइन किया? अच्छा गुड्डू अभी सचिन ओके। तो लास्ट डे हमारे ये टॉपिक थे। ठीक है मोशन ऑफ अर्थ, ये सिक्स क्लास के टॉपिक हैं। इसको हम लोगों ने डिस्कस किया था रोटेशन ऑफ अर्थ एंड रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ, प्रकृति का पृथ्वी का भ्रमण परिक्रमण और परिभ्रमण। ठीक है तो इस ये दो टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस किए थे। इन दोनों टॉपिक में हमने एक बात आपको डिस्कस की थी, ये की थी कि जो अर्थ है हमारी वो दो टाइप का मोशन करता है। एक मैं आपको मोशन दिखाता हूँ, एक तो वो मोशन है जो पृथ्वी अपने अक्ष पर, जैसे ये एक रोटेशन है, इसको इस मूवमेंट को हम लोग कहते हैं रोटेशन। ठीक है यानी हिंदी में कहते हैं घूर्ण। ठीक है ये पृथ्वी का घूर्ण है इसकी हम बात कर रहे हैं। और जो जो ये रोटेशन है ये वाला, ये पृथ्वी का रिवोल्यूशन, पृथ्वी का परिक्रमण है। ठीक है तो दोनों चीजें हमने बता दी। एक तो हमने ये बता दिया कि पृथ्वी का घूर्ण क्या है, तो पृथ्वी का जो घूर्ण है वो ये है, पृथ्वी वेस्ट टू ईस्ट मूव करती है। ठीक है और दूसरा है पृथ्वी सूर्य के चारों घूमती है। अब क्वेश्चन आपका ये यूपीएससी बनेगा कि इन जो रोटेशन और रेवोल्यूशन है, यानी जो प्रकृति का रेवोल्यूशन है यानी सूर्य के चारों ओर है, और रोटेशन है अपने एक्सिस के चारों ओर, मतलब अपने एक्सिस पे वेस्ट टू ईस्ट है। तो एक मेन पॉइंट ये आपका बनेगा कि इसमें कौन सा इम्पैक्ट है जो रोटेशन से होता है और कौन सा इम्पैक्ट है जो रेवोल्यूशन से होता है। ठीक है ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। रोटेशन से वो सारे इंसिडेंट होते हैं जो दिन में एक बार होते हैं, जैसे डे एंड नाइट का होना, टाइड का आना। ठीक है और टेम्परेचर वेरिएशन, टेम्परेचर वेरिएशन का मतलब होता है दिन के 2 बजे टेम्परेचर कुछ और होगा, रात के शाम को 5 बजे कुछ और होगा और रात के 2 बजे कुछ और होगा। तो ये जो टेम्परेचर वेरिएशन है 24 घंटे के अंदर, ये भी रोटेशन की वजह से होता है, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद बात आती है रेवोल्यूशन की, कि जो पृथ्वी का रेवोल्यूशन है यानी परिक्रमण है, तो इस पर भी बात कर चुके हैं हम लोग। 365 दिन में होता है, जिस साल लीप ईयर होता है उस साल ये 366 दिन का होता है। तो पहला पॉइंट ये है कि यहाँ पर क्वेश्चन ये बनेगा कि अर्थ रेवोल्यूशन या अर्थ रेवोल्यूट या एवरी डे या एवरी मंथ एवरी ईयर इन 365 डेज। तो पहली बात है कि अर्थ जो है वो हमेशा 365 डेज में रेवोल्यूट नहीं करती, 366 भी डेज होते हैं, तो ये ध्यान रखना। ये क्वेश्चन इस तरह से बनेगा, इनमें से कौन सा सेंटेंस गलत है, तो ये ध्यान रखना है कि हमेशा पृथ्वी 365 डेज में रेवोल्यूट नहीं करती है, 360 डेज में भी करती है जब उसको लीप ईयर होता है तो। ठीक है अब रेवोल्यूशन के क्या क्या इम्पैक्ट हैं, तो हमने दो चीजें समझाया था आपको। एक तो लिस्ट हमने दी थी, लिस्ट हमने दी थी, पहला पॉइंट दिखाया था कि मानसून का आना, साइक्लोन का आना, ठीक है और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का आना, शिफ्टिंग ऑफ जेट स्टीम बेल्ट का शिफ्ट होना, और एक बात हमने फाइनल बताई थी कि जो इंसिडेंट साल में फिक्स टाइम पर होते हैं, जैसे मानसून हमेशा जून में आता है, कभी आपका दिसंबर में नहीं आता, तो जो इंसिडेंट साल में फिक्स होते हैं वो हमेशा रेवोल्यूशन से होते हैं, कोई भी हो, चक्रवात का आना। कभी चक्रवात आपने देखा है दिसंबर में, मतलब नवंबर में आता है, ये चीज आपको ध्यान रखना, नवंबर में आता है, तो इस तरह से इसको समझना है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, जो आगे हम लोग करने वाले हैं वो ये है
ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक ये है ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स और द ओरिजिन ऑफ एंड एवोल्यूशन ऑफ अर्थ, पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास। ठीक है, ये हमारा टॉपिक है आगे, इसी के हिसाब से फिर हम लोग चलेंगे आगे कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी क्या है, कॉन्टिनेंट प्लेट टेक्टोनिक क्या है, अर्थ क्यों क्या है, ये फटाफट समझ लेंगे। ये जो टॉपिक है आपका कॉन्टिनेंटल ओरिजिन ऑफ अर्थ, इसको अगर आप टॉपिक को ध्यान से समझोगे तो उसमें दिया हुआ है कि ओरिजिन ऑफ ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ अर्थ। ओरिजिन का मतलब होता है उत्पत्ति और एवोल्यूशन का मतलब है विकास। ठीक है, तो दो चीजों से आप ध्यान ये रखना है कि ये दो वर्ड यहाँ पर क्यों आए। ठीक है, ये दो वर्ड इनको देने की क्या जरूरत थी, एक तो ओरिजिन और दूसरा एवोल्यूशन, कभी आपसे पूछा जा सकता है इंटरव्यू में। तो पहली बात है कि ओरिजिन का मतलब है कि ओरिजिन ऑफ अर्थ जो हुआ है वो विद इन मोमेंट विद इन सेकेंड हुआ है, लेकिन जो उसका डेवलपमेंट है उसको डेवलपमेंट क्या होता है, प्रोसेस है, मतलब 1,000, 2,000, 1,00,000, 2,00,000, 10,00,000, 20,00,000, है ना, मिलियन बिलियन, ये सब टाइम पीरियड लगता है। तो डेवलपमेंट क्या है, एक प्रोसेस है, और ओरिजिन क्या है, एक इवेंट है। तो पृथ्वी का जो ओरिजिन हुआ है वो एक इवेंट में हुआ, एक मोमेंट में हुआ है, जिसको हम लोग बोलते हैं बिग बैंग थ्योरी। ठीक है, बिग बैंग थ्योरी, बिग बैंग थ्योरी, उसका जो उत्पत्ति हुई है वो एक मूवमेंट में हुई है। तो कभी आपसे पूछेगा कि पृथ्वी की उत्पत्ति में लाखों वर्ष लगे हैं, तो दैट सेंटेंस इज नॉट करेक्ट, दैट इज रॉन्ग, ये सेंटेंस रॉन्ग है, करेक्ट नहीं है। हाँ, पृथ्वी को ओरिजिन होने में विद इन सेकेंड थे, आपको पता है बिग तो बिग बैंग थ्योरी है, तो विद इन 3 मिनट, 3 मिनट के अंदर पूरे यूनिवर्स डेवलप हो गया था, पूरे यूनिवर्स फॉर्मेट हो गया था। तो चीज ये याद रखना है कि जो पूरा यूनिवर्स है वो विद इन मिनट बना था, लेकिन अर्थ जो डेवलप हुई, मतलब अर्थ पहले तो प्लाज्मा, पहले तो पृथ्वी गैसियस फॉर्म में थी, फिर प्लाज्मा फॉर्म में आई है, फिर सॉलिड फॉर्म में आई है, सॉलिड के बाद फिर ओशियन का फॉर्मेशन हुआ है, फिर कॉन्टिनेंट का फॉर्मेशन हुआ है, उसके बाद मिलियन बिलियन ईयर के बाद रेनफॉल हुआ है, मिलियन बिलियन ईयर के बाद अर्थ पर लाइफ का एग्जिस्टेंस हुआ है। तो ये जो एक मिलियन बिलियन ईयर्स हो रहे हैं, ये विकास है, ये एवोल्यूशन है, एवोल्यूशन है, ये डेवलपमेंट नहीं है, मतलब ये ओरिजिन नहीं है। तो ठीक है, तो आप समझ गए कि ओरिजिन क्या है और एवोल्यूशन क्या है। अब हाँ, नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि देखो, जब भी बात आती है पृथ्वी के ओरिजिन की, जब भी बात आएगी पृथ्वी के ओरिजिन की, तो दो थ्योरी हैं। देखो क्या होता है कि हमारे यहाँ जो यूनिवर्स कैसे बना, गॉड कैसे आया, नेचर कैसे बना, वेजिटेशन कैसे आया, लाइफ कैसे आया, इसमें क्या है, हम लोगों के जो रिलीजियस लोग थे, जो धार्मिक लोग थे, वो पहले बहुत सारे कॉन्सेप्ट दिया करते थे। जैसे जो हिंदुज्म मैथोलॉजी है अपने हिसाब से डिस्क्राइब करता है, मुस्लिम मैथोलॉजी है अपने हिसाब से डिस्क्राइब करता है, और जो क्रिश्चियन मैथोलॉजी वो अपने हिसाब से डिस्क्राइब करता है। तो हर मैथोलॉजी अपने अपने अकॉर्डिंग डिस्क्राइब करता है कि पृथ्वी कैसे आई, लाइफ कैसे आया, पहले कौन आया, तो ये सब थ्योरी अलग अलग थी। 140 में, 140 एडी में सबसे पहले पृथ्वी पर बोला गया था कि पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों घूमती है। तो बहुत सारी ऐसी थ्योरी थी जो रिलीजियस लोगों ने दी थी, मतलब कहने का ये है, क्वेश्चन आपका बनेगा, एंशियंट टाइम द पीपल नो फाइनल व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स एंड व्हाट वाज द प्रोसेस ऑफ ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। ऐसा नहीं था कि फाइनल, कोई कॉन्सेप्ट नहीं कहता था कि ओरिजिन ऐसा हुआ है, आज भी ये कॉन्सेप्ट नहीं है। तो सिर्फ कहने की बात है, इस
ये सब बताने का रीजन ये है, कभी आपसे पूछेगा कि पहले लोग कैसे जानते थे, किसने पहले बताया, क्रिश्चियन ने बताया, इस्लाम ने बताया, या हिंदुज्म ने बताया, या किसी और ने बताया, मतलब तो किसने बताया कि गॉड क्या है, किसने बताया कि यूनिवर्स कैसे बना है, तो कोई एक कॉन्सेप्ट नहीं है पहली बार। दूसरी चीज है कि हमारे पास दो टाइप की थ्योरी है पृथ्वी को जानने की। पहली थ्योरी है अर्ली थ्योरीज। अर्ली का मतलब है जब हम बात करते हैं 16th-17th century की। अर्ली का मतलब ऐसा नहीं है इंडस सिविलाइजेशन की, जब हम 16 और 17 की बात करते हैं तो वहां पर होता है अर्ली थ्योरीज। उसके बाद है मॉडर्न थ्योरी। तो पृथ्वी या यूनिवर्स से संबंधित दो टाइप की थ्योरी हैं और दोनों टाइप में कोई परमानेंट एक्सेप्टेबल नहीं है। परमानेंट एक्सेप्टेबल का मतलब है कोई फाइनल नहीं है कि यही वो, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि यूनिवर्स का डेवलपमेंट कैसे हुआ, ये फाइनल स्टेटमेंट अभी किसी का नहीं है। हर रिलीजन में, हर कल्चर में, हर सोसाइटी में लोगों ने अपने अपने तरह से बात की है। फिर भी हम दो क्लासिफाइड करते हैं, एंशियंट मतलब अर्ली थ्योरीज और मॉडर्न थ्योरीज, ठीक है, प्रारंभिक विचार और आधुनिक विचार। अब बात आती है कि व्हाट वाज द अर्ली थ्योरीज। अर्ली थ्योरीज क्या थी, प्रारंभिक थ्योरी क्या थी। तो अर्ली थ्योरी का मतलब है सबसे पहले एक एमुअल कांट हुए हैं, ठीक है, उसके बाद लाप्लास हुए हैं, उसके बाद चैम्बरलिन हुए, नाम दिखाएंगे क्या क्या है, उसके बाद जेम्स रूसो हुए, मतलब और भी कई सारे लोग हुए। तो कुछ नाम है जिन्होंने पहली बार बोला है कुछ, ठीक है। तो हम स्क्रीनशॉट पे स्क्रीन पे चलते हैं तो आपको समझ में आएगा। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन आपका बनेगा हु वाज द फर्स्ट पर्सन हु डिस्कस अबाउट द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। तो जर्मन फिलोसोफर इमैनुअल कांट, ठीक है, ये जर्मन फिलोसोफर है इमैनुअल कांट, ये ध्यान रखना है, ये सबसे पहले फिलोसोफर इमैनुअल कांट। कभी पूछ सकता है, कभी आपके ना यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछ सकता है मिलाने के लिए, तो इमैनुअल कांट कौन है, ये जर्मन फिलोसोफर, ये साइंटिस्ट नहीं है, ये फिलोसोफर है। सबसे पहले इन्होंने बोला था, इन्होंने कहा कि जो यूनिवर्स है उसका डेवलपमेंट एक क्लाउड से हुआ, एक बादल से हुआ, ठीक है। उन्होंने कहा कि यूनिवर्स में एक क्लाउड था, मतलब क्या कह सकते हैं उस समय अब उन्होंने ये नहीं बोला कि क्लाउड कहाँ था, हमने क्या बोला, कुछ लोगों ने बात करने की कोशिश की, उन्होंने कहा जो पूरा यूनिवर्स है, पूरा ब्रह्मांड है, वो एक क्लाउड था, और क्लाउड किसका था, गैसों का, ठीक है, गैसों का क्लाउड था, गैसों का क्लाउड था, ये सॉलिड हुआ धीरे धीरे, ठीक है, ये सॉलिड हुआ। अब सॉलिड होने के बाद ये यूनिवर्स में डिवाइड हो गया, ये यूनिवर्स में टूट गया, ठीक है, बात समझ भाई, कि सब ये हम पढ़ रहे हैं अर्ली थ्योरी, प्रारंभिक थ्योरी। तो प्रारंभिक थ्योरी क्या कहती है, कौन है, इमैनुअल कांट, इन्होंने पहली बार ये बताया है कि देयर इज ए क्लाउड इन स्पेस। स्पेस में क्लाउड है, बादल है, वो गैस से बना हुआ है, ठीक है, उसके बाद उस बादल को उन्होंने बोला है। तो ये एक छोटा सा पॉइंट समझिए कि सबसे पहला यूनिवर्स के बारे में बात करने वाले इमैनुअल कांट हैं, जो जर्मन के फिलोसोफर है, उन्होंने कहा कि देयर इज ए क्लाउड इन स्पेस इन गैसियस फॉर्म, दैट क्लाउड गैसियस फॉर्म कन्वर्ट इनटू सॉलिड फॉर्म, ओके, दैट सॉलिड डिवाइड इन द वेरियस पार्ट like sun, planet, like star, planet, satellite, asteroid, meteorite, or other celestial body, जितने भी celestial body हैं वो सभी उसी cloud से बने हैं, ठीक है, सभी उस cloud से बने हैं। तो ये तो theory किसकी थी, इमैनुअल कांट की। इतना final है सबको, सचिन समझ में आ रहा है, Yes, sir. एक बार मुझे बताते रहना क्योंकि अभी नई जगह है, नया प्लेस है, तो आवाज का मुझे नहीं आइडिया लग रहा है, तो बस सिंपल सा बनेगा, व्हाट वाज द स्टेटमेंट ऑफ इमैनुअल कांट अबाउट यूनिवर्स। तो यूनिवर्स के बारे में ये था विचार कि उन्होंने
कि देयर इज ए क्लाउड इन स्पेस। अब देखो क्या है, आपके मन में भी डाउट बहुत सारे आ रहे होंगे कि सर ये क्लाउड कहाँ से आया, है ना, ये स्पेस किस स्पेस की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये सारे जवाब उनके पास भी नहीं है, उन्होंने केवल बोला है, कोई भी फाइनल स्टेटमेंट नहीं है। देखो तो क्या होता है, जब हम किसी हाइपोथेसिस की बात करते हैं, जब हम किसी थ्योरी की बात करते हैं, जब किसी हम सिद्धांत की बात करते हैं, तो हम ये नहीं सोचते कि ये सही है गलत है, हम ये बात करते हैं कि व्हाट वाज द स्टेटमेंट अबाउट पर्टिकुलर द पर्सन, उस पर्टिकुलर व्यक्ति ने क्या बोला है। तो एमोल कांट, अब सही या गलत हम लोग क्रिटिसिज्म बात ही करेंगे, ठीक है, इन्होंने सही बोला गलत बोला। जब क्वेश्चन आएगा ना कि क्रिटिसाइज द एमोल कांट हाइपोथेसिस, तो आप खुलकर बोलिए कि इन्होंने ये नहीं बताया कि स्पेस कौन सा है, इन्होंने ये नहीं बताया कि क्लाउड कहाँ सा है, इन्होंने ये नहीं बताया कि व्हाट वाज द फोर्स टू द डिस्कनेक्टेड, मतलब उसको काट तोड़ने वाला फोर्स कौन था, ये भी नहीं बताया। साथ में उन्होंने ये भी नहीं बताया कि व्हाई डिवाइड इन सोलर सिस्टम ओनली 9 प्लैनेट्स या 8 प्लैनेट, उन्होंने ये भी नहीं बताया जब किसी एक क्लाउड से पूरे यूनिवर्स का फॉर्मेशन हुआ है तो क्या रीजन है कि मार्स का एटमोसफेयर कुछ और है, पृथ्वी का एटमोसफेयर कुछ और है। आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहे होंगे, ये सारी चीजें हम लोग उनकी आलोचना में डालेंगे, वो सारी बातें अलग हैं, अभी हमें ये समझना है। ठीक है, तो कांट ने जो बोला वो हमने आपको बता दिया। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं व्हाट वाज अबाउट द मैथमेटिशियन लाप्लास। एक जो लाप्लास है वो मैथमेटिशियन है, इन्होंने थ्योरी दी है लाप्लास ने, लाप्लास की थ्योरी का नाम है नेबुलर हाइपोथेसिस। ठीक है, नेबुलर हाइपोथेसिस, नेबुलर को हिंदी में कहते हैं निहारिका सिद्धांत। ठीक है, इसको हिंदी में कहते हैं निहारिका सिद्धांत। ठीक है, निहारिका सिद्धांत। तो कभी आपका ये क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में कि ये प्रेजेंट से बन सकता है कि हु गिव द निहारिका थ्योरी, नेबुलर थ्योरी। तो नेबुलर थ्योरी दी है मैथमेटिक लाप्लास ने। ओके, और उन्होंने लाप्लास ने क्या बोला, The hypothesis considered that the planets were formed out of the cloud material associated with the youth sun, which was the slowly rotating. अब देखिए, अब बात करते हैं लाप्लास ने क्या बोला। लाप्लास ने कहा है कि जो हमारा क्लाउड है, देखिए जिस जो क्लाउड का नाम किसने नहीं दिया था, कांट ने, उसी क्लाउड को लाप्लास ने निहारिका नाम दे दिया। क्या, नेबुलर थ्योरी। तो नेबुलर थ्योरी के अनुसार क्या है, देखिए समझिए, नेबुलर थ्योरी का कहना है कि देयर इज ए नेबुला इन स्काई इन स्पेस। उन्होंने बोला एक आसमान में एक नेबुला है, निहारिका है। ठीक है, ये वही निहारिका है जिसे कांट ने बोला था क्लाउड है, और उन्होंने कहा यही निहारिका After some time, divide into solar system. यही निहारिका solar system में divide हो जाती है। ठीक है, तो ये theory थी Laplace की। Laplace ने बोला कि एक बहुत बड़ा nebula है, एक निहारिका है, और वो निहारिका divide into solar system and sun. तो सबसे बड़ा part है वो sun है, और बाकी उसके आसपास जो घूम रहे हैं वो क्या है, प्लैनेट्स। ठीक है, तो ये था। इसी थ्योरी को चैम्बरलेन ने क्या किया है, सपोर्ट कर दिया। अब ये चीज ध्यान रखना है कि चैम्बरलेन ने इसी थ्योरी को क्या किया, सपोर्ट कर दिया। चैम्बरलेन ने सपोर्ट कर दिया, तो बस इतना ख्याल है, चैम्बरलेन ने सपोर्ट किया है। एज द पासिंग मूव्ड अवे, उन्होंने भी बोला है कि एक निहारिका है जिसके पास से सूरज निकलता है और जिस वजह से वो सोलर सिस्टम में चेंज हो जाते हैं। इसी को सर जेम्स जीन्स एंड लेटर सर हेरोल्ड जेफरी सपोर्ट दिस आर्गुमेंट। इसी थ्योरी को चैम्बरलेन ने सपोर्ट किया है, इसी थ्योरी को सर जेम्स जीन्स ने सपोर्ट किया है, इसी थ्योरी को सर होल्ड जेफरी ने सपोर्ट किया है। ठीक है, इन तीनों लोगों ने इनको इसको सपोर्ट किया है। ठीक, तो ये आपको समझ में आ गया लाप्लास थ्योरी क्या थी। लाप्लास थ्योरी
ने बोला है कि देयर इज ए नेबुला इन स्पेस. नेबुला मीन्स क्लाउड ऑफ गैस, गैस का एक बादल है जिसे उन्होंने नेबुला नाम दिया है. और लाप्लास का कहना है कि ये क्लाउड के पास से जो सूरज निकलता है और वो उसकी वजह से जो क्लाउड है वो सोलर सिस्टम में डिवाइड हो जाता है. अब इसमें बहुत सारे मन में डाउट है हमारे भी आपके कि वो सूर्य कौन सा था. जब हम यूनिवर्स की बात कर रहे हैं, जब हम पृथ्वी की बात कर रहे हैं, तो वो सूर्य कहाँ से आया किसी को नहीं पता, ना उन्होंने बताया. फिर उन्होंने कहा कि दैट नेबुला या दैट निहारिका डिवाइड इनटू सोलर सिस्टम, मतलब वो सोलर सिस्टम में डिवाइड हो गई. अगर वो सोलर सिस्टम में डिवाइड हुई, हम एक बॉडी की, जैसे मान लीजिए ये पेन है, ठीक है, ये पेन है, अगर आप उसको पेन को किसी भी पार्ट में डिवाइड 100 पार्ट में डिवाइड करोगे, 9 पार्ट में डिवाइड करोगे, तो जो जो प्रॉपर्टी यहाँ पर है वो प्रॉपर्टी यहाँ पर होनी चाहिए, ठीक है. तो जो प्लास्टिक यहाँ पर है वो यहाँ पर होनी चाहिए, इतना है, ठीक. तो इसमें क्रिटिसिज्म ये है कि हमें उन्होंने ये बताया ही नहीं है कि पृथ्वी का अलग एटमोसफेयर क्यों है, मार्स का अलग एटमोसफेयर क्यों है. तो लाप्लास की थ्योरी को चैम्बरलेन ने सपोर्ट किया है, जेम्स जीन्स ने सपोर्ट किया है, सब ने सपोर्ट किया है. तो ये थी लाप्लास की थ्योरी. लाप्लास की थ्योरी कहलाती है निहारिका थ्योरी. कभी ये क्वेश्चन बन सकता है कि निहारिका थ्योरी किसने दी थी, तो निहारिका थ्योरी लाप्लास ने दी थी, जो एक जर्मन के बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे, ठीक है. अब एक थ्योरी आती है, नाम नहीं है जिसका, बाइनरी थ्योरी, ठीक है. तो क्वेश्चन बनेगा कि बाइनरी थ्योरी किसके बारे में है. मैं आपको दिखाता हूँ कि बाइनरी थ्योरी में क्या बोला गया है और वो किसके बारे में ये है. अब देखिए, जो बाइनरी थ्योरी है, ए लेटर डेट द आर्गुमेंट कंसीडर कंपोजिशन सन हैव द बीन है ना को एग्जिस्टिंग दीज आर्गुमेंट आर कॉल्ड बाइनरी थ्योरी. अब थोड़ा बाइनरी थ्योरी की बात कर रहे थे, इसको हिंदी में कहते हैं द्वैत तारक सिद्धांत, ठीक है, द्वैत तारक सिद्धांत हिंदी में कहते हैं इसको, द्वैत तारक सिद्धांत, बाइनरी थ्योरी. अब होता क्या, इसको समझ लेते हैं, आप लोग लिख लेना है इसको. बाइनरी थ्योरी का कहना है कि स्पेस में दो बड़े बड़े तारे हैं, एक बड़ा तारा छोटा तारा, ठीक है. उनका कहना है कि देयर इज ए स्पेस, उन्होंने कहा, उन्होंने क्या बोला कि बाइनरी थ्योरी में कहते हैं कि स्पेस में दो तारे हैं, एक बड़ा तारा है एक छोटा तारा है, ठीक है. हम बात करते हैं बाइनरी थ्योरी में क्या बोला. बाइनरी थ्योरी में कहा कि देयर इज ए टू सन या टू स्टार इन स्पेस, ए बिग स्टार ए स्मॉल स्टार, ओके. अब देखो आलोचना यहीं पे आ जाती है, क्रिटिसिज्म यहीं पे आ जाता है कि ये स्टार कहाँ से आए, वो हम हम क्रिटिसिज्म के लिए रखते हैं. वहाँ हम ये बात करेंगे कि आलोचना कहाँ से आए. अभी हमें ये समझना है कि थ्योरी क्या कह रही है. थ्योरी कहती है कि देयर इज ए टू स्टार इन स्पेस, ए बिग स्टार ए स्मॉल स्टार. स्मॉल स्टार क्रॉस नियर विद द बिग स्टार. उनका कहना है कि जो छोटा तारा है वो बड़े तारे के पास से होकर गुजरता है, ठीक है. जो छोटा तारा है वो बड़े तारे के पास होकर गुजरता है. देखिए हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे बाइनरी थ्योरी, यानी द्वैत तारक सिद्धांत से कैसे सोलर सिस्टम का डेवलपमेंट हुआ, कैसे यूनिवर्स बना. तो उन्होंने कहा ये जो जब तारा बड़ा तारा छोटे तारे के पास निकलता है, तो इस छोटे तारे से कुछ मटेरियल निकल जा, कुछ मटेरियल जो है इससे निकल जाता है, छोटे तारे से कुछ मटेरियल निकल जाता है और ये छोटा तारा आगे चला जाता है, ठीक. उन्होंने कहा ये जो मटेरियल निकलता है यही 9 प्लैनेट में डिवाइड हो जाता है और इसी से सोलर सिस्टम का डेवलप, यही जो है 9 पार्ट में डिवाइड होता है और वो बड़ा पार्ट है उस सूर्य बन जाता है और छोटे छोटे जो है वो प्लैनेट बन जाते हैं. उन्होंने कहा कि द्वैत तारक सिद्धांत ये थ्योरी देता है. ये थ्योरी सारी देखने में अच्छी लगती है, समझ में आती है.
हाँ ये हो सकता है कोई तो बड़ा तारा छोटे छोटे तारे के पास निकला होगा, तो छोटे तारा से कुछ भाग उसने खींचा होगा, क्योंकि हर बड़ी चीज छोटी चीज को अपनी ओर खींचती है, तो ऐसा हुआ होगा। लेकिन हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चंस ये हैं कि ये दो तारे कहाँ से आए। पहली बात, ये बाइनरी थ्योरी में नहीं बताया गया, ये आप लिखोगे कैटेसिज्म में। उसके बाद उन्होंने कहा कि ये जो उससे पार्ट अलग हुआ था वो केवल 9 पार्ट में डिवाइड हो गया। अब भाई 9 पार्ट में क्यों हुआ, है ना? देखो कांट भी कहते हैं कि 9 पार्ट में डिवाइड हुआ, लाप्लास भी कहते हैं 9 पार्ट में डिवाइड हुआ, चैम्बरलिन भी कहते हैं 9 पार्ट में डिवाइड हुआ, तो ऐसा कैसे हो रहा है, 9 पार्ट में क्यों? चलिए ठीक है, ये भी हो सकता है। उसके बाद जब किसी एक बॉडी से हम पूरे सोलर सिस्टम को बना रहे हैं तो सबकी प्रॉपर्टी अलग अलग क्यों है, सबकी प्रॉपर्टी अलग है, सबकी प्रॉपर्टी मीन्स सबका क्वालिटी अलग क्यों है। सूर्य के पास ऑक्सीजन, सॉरी पृथ्वी के पास ऑक्सीजन है, मार्स के पास नहीं है, है ना? जो एटमॉस्फेयर पृथ्वी का है वो वीनस का नहीं है, वो वीनस का है वो मार्स का नहीं है, मार्स का है वो जुपिटर का नहीं। तो ये सारी बातें हैं। तो ये था आपका बिग बैंग, यानी पृथ्वी से रिलेटेड अर्ली थ्योरी। अर्ली थ्योरी में हमने क्या क्या देखा, अभी हमने देखो पूरे क्लासेस में सिर्फ 2 बातें समझी। पहली ये कि ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, उससे रिलेटेड 2 तरह की थ्योरी है। एक वो जो प्राइमरी पहले थी, अर्ली थ्योरी, दूसरी वो जो मॉडर्न थ्योरी। अर्ली थ्योरी हमने पहला समझा कांट को, जिन्होंने बोला कि देयर इज ए क्लाउड इन स्पेस, दैट क्लाउड डिवाइड इनटू 9 पार्ट, दैट इज कॉल्ड एज ए सोलर सिस्टम। सेकंड, वी हैव डिस्कस अबाउट द लाप्लास। लाप्लास इज ए मैथमेटिशियन फ्रॉम द जर्मन कंट्री, दे डिस्कस एज ए नेबुलर थ्योरी। व्हाट इज अ नेबुला? Nebula, that name divide given by the Kant as a cloud. उन्होंने भी बोला कि that cloud यानी nebula divide into 9 parts. अब इनका support किया Chamberlain ने और Jeffrey ने और भी कई सारे जबरदस्त जो आपने देखा। उसके अलावा एक theory और आया binary theory. Binary theory ने बोला कि there is a 2 stars, a big star, a small star. And small star cross near with a big star. Then big star attack material from a small star. ये बात सही है। जब कोई बड़ा बॉडी निकलता है तो छोटे बॉडी से कुछ चीजों को अटैक करता है अपनी तरफ। और उन्होंने फिर ये थ्योरी कहती है कि that remaining part divide into 9 part is called as a solar system. तो ये था अर्ली थ्योरीज, ठीक है? ये अर्ली थ्योरी के बारे में सारी बातें थी। यहां तक किसी को डाउट नहीं होगा। अब क्वेश्चन देखो प्रीलिम्स में क्या बन सकता है। प्रीलिम्स में बन सकता है, दिस सेंटेंस इज नॉट करेक्ट अबाउट द अर्ली थ्योरी रिलेटिव अर्थ ओरिजिन या यूनिवर्स ओरिजिन। ये जितना भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ सारा का सारा एनसीईआरटी की 11th क्लास है। तो बिग बैंग पूछेगा, व्हाट इज स्टेटमेंट करेक्ट अबाउट द बिग बैंग, मतलब बाइनरी थ्योरी, है ना? तो इन बाइनरी थ्योरी व्हाट इज डिस्कस्ड अबाउट 2 स्टार, अबाउट 2 प्लैनेट, तो उसमें अबाउट 2 स्टार, 2 स्टार के बारे में डिस्कस किया गया। तो आपको मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या समझना है कि डिस्कस अबाउट द अर्ली थ्योरी अबाउट द ओरिजिन ऑफ अर्थ, ये हो गया मेंस के बारे में, ठीक है? प्रीलिम्स में दिस सेंटेंस इज नॉट करेक्ट अबाउट द अर्ली थ्योरी ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स या अर्थ। तो इसमें भी आपको समझना है। पूछेगा व्हाट इज अ नेबुला, तो नेबुला इज ए ग्रुप ऑफ क्लाउड, इज ए फॉर्म ऑफ क्लाउड, दैट इज ए गैसियस फॉर्म। ये गैसियस फॉर्म में है या गैसीय अवस्था में है, ठीक है? अब हम देखते हैं बिग बैंग थ्योरी, ये शायद हमने डिस्कस की थी। व्हाट इज ए बिग बैंग थ्योरी, मॉडर्न थ्योरी। तो मॉडर्न थ्योरी पे हम आ जाते हैं सीधे सीधे। अगर आपसे पूछेगा कहे कि डिस्कस अबाउट द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स,
डिस्कस अबाउट द ओरिजिन ऑफ अर्थ, अगर उसमें ये नहीं दिया हुआ डिस्कस द अर्ली थ्योरी, तो आपको यही थ्योरी डिस्कस करना है मॉडर्न थ्योरी, ठीक है। मॉडर्न थ्योरी क्या कहता है, वैसे हम लोगों ने बस इससे समझना है कि मॉडर्न थ्योरी ओनली सिंगल थ्योरी दैट वी हैव दैट इज अ बिग बैंग थ्योरी। अभी जो हमारे पास थ्योरी है ये केवल बिग बैंग थ्योरी है, मॉडर्न थ्योरी। क्वेश्चन में भी बिग बैंग थ्योरी इज रिलेट टू, बिग बैंग थ्योरी इज रिलेट टू क्या होगा इसका, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, ये बात ध्यान रखना, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। एक बार ये आरपीएससी में क्वेश्चन आया था, राजस्थान पीसीएस में क्वेश्चन आया हुआ है कि बिग बैंग थ्योरी इज रिलेट टू ओरिजिन ऑफ लाइफ, ओरिजिन ऑफ अर्थ, ओरिजिन ऑफ एटमोसफेयर या ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। तो दैट थ्योरी इज रिलेट टू ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, यानी ब्रह्मांड की उत्पत्ति, पहली चीज। अब देखो पूछेगा कि हु डिस्कस हु गिव द बिग बैंग थ्योरी, ये जो लाइन है एनसीईआरटी की लाइन है, ठीक है। जितना भी स्टेट ये मटेरियल मैं आपको दिखा रहा हूँ सामने आपके स्क्रीन पर, ये एनसीईआरटी का मटेरियल है, तो इसमें ऐसा कोई नाम नहीं दिया, फिर भी बिग बैंग थ्योरी गिवन बाय द लेमेंटर, लेमेंटर, ठीक है, लेमेंटर ने दिए। इसमें नाम क्यों नहीं दिया हुआ है, कि इसलिए नहीं दिया हुआ है कि देयर इज नो सिंगल साइंटिस्ट हु डिस्कस अबाउट द बिग बैंग थ्योरी। That is a big effort the many scholars or many geographers or scientists. इसलिए NCERT ने लेमेंटर का नाम नहीं दिया। कभी आपसे कुछ नहीं बन सकता है, भाई NCERT not discuss about the lemmeter या founder of Big Bang theory name। तो इसमें केवल लेमेंटर का योगदान नहीं है, इसमें बहुत से लोगों का योगदान है, ठीक है। तो पहली बात है, दो बातें अभी हमने डिस्कस की, पहले किया है कि what is the is about that theory about the origin of universe, second who give that theory, that is the Lemaître, okay। most popular argument regarding the origin of universe is the Big Bang theory, it is also called as a expanding theory, expanding hypothesis, that's a most important thing, expanding hypothesis, hypothesis means hota sankalpana। अच्छा एक डिफरेंस है कि हाइपोथेसिस और थ्योरी में, है ना, हाइपोथेसिस और थ्योरी में क्या डिफरेंस होता है। देखिए जब हम थ्योरी की बात करते हैं तो इसका मतलब है दैट इज 100% एक्सेप्टेबल या मैक्सिमम पीपल ऑफ वर्ल्ड एक्सेप्टेड, यानी बहुत से लोगों के द्वारा उसको एक्सेप्ट किया गया, दैट इज ए थ्योरी, लाइक आर्किमिडीज का थ्योरी, आर्किमिडीज की थ्योरी पे कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, न्यूटन्स थ्योरी, ग्रेविटी थ्योरी, दैट इज नॉट ए हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस का मतलब क्या होता है, जिसको हिंदी में कहते हैं लोग संकल्पना, ठीक है। संकल्पना का मतलब होता है अभी ये लेटेस्ट है, दैट इज द लास्ट, दैट इज ए लेटेस्ट, बट नॉट 100% एक्सेप्टेबल, है ना। What is 100% true? ये तो किसी को नहीं पता, क्या सच है ये हमें नहीं पता, है ना। ये जो स्टेटमेंट दिया था कि भाई सेब ऊपर से नीचे गिरा, पृथ्वी का अट्रैक्शन क्लियर, कुछ हो सकता है, कुछ कारण और भी हो सकता है, हो सकता है बड़ी चीज में मैग्नेटिक सिस्टम होता हो, छोटी चीज में नहीं होता या कम होता, तो ये भी हो सकता है। तो ये सच तो पता नहीं क्या है, लेकिन हाइपोथेसिस का मतलब है कि अभी इसको वर्ल्ड लेवल पर 100% लोगों का एक्सेप्टेंस नहीं मिला है, ठीक है, इसलिए ये थ्योरी नहीं है, ये केवल हाइपोथेसिस, क्लियर है। अब देखते हैं, तो बिग बैंग थ्योरी इज ए नॉन एज ए एक्सपेंडिंग हाइपोथेसिस। अच्छा एक्सपेंडिंग हाइपोथेसिस का मतलब क्या होता है, इसको बोलते हैं हिंदी में विस्तारित संकल्पना। कुछ बातें समझ लीजिए, कुछ बातें ये हैं कि बिग बैंग थ्योरी का कहना है कि जो यूनिवर्स है
वो एक छोटे से पार्टिकल से हुआ, टाइनी बॉल, छोटा सा पिंड। अब बिग बैंग थ्योरी लेमेंटर ने दी जरूर है, लेकिन ये ब्रह्मांड विस्तारित संकल्पना पर आधारित है। और ब्रह्मांड विस्तारित संकल्पना 1920 में दी थी एडविन पी हब्बल। ध्यान समझिएगा मेरी बात को कि बिग बैंग थ्योरी एक थ्योरी है दैट इज फाइनल गिवन बाय लेमेंटर। अब लेमेंटर ने थ्योरी किस बेस पे दी है, वो बेस है एडविन पी हब्बल का एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस, विस्तारित ब्रह्मांड संकल्पना, ठीक है, जो 1920 में दी गई। अब ये एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस क्या है उसको हम समझ लेते हैं। हब्बल साहब कहते हैं, हब्बल साहब ने पहली बार बताया था कि जो यूनिवर्स है वो फैल रहा है। यूनिवर्स क्या है, वो फैल रहा है, एक्सपेंड कर रहा है, ठीक है, यूनिवर्स एक्सपेंड कर रहा है। और जो हमारी आकाश गंगाएं हैं तो एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, एक दूसरे से आकाश गंगाएं हमारी दूर जा रही है, ठीक है। तो ये था, मतलब उन्होंने कहा कि जैसे ये है, उन्होंने कहा कि जो आपका ये जो यूनिवर्स है ये हमारा क्या है, ये फैल रहा है, ठीक है, यूनिवर्स है वो फैल, आकाश में दूसरे दूर जा रही है। तो ये हब्बल ने दिया था, उसके बेस पे था। अब ये तो उसके बाद बोला कि जो यूनिवर्स है उसका फॉर्मेशन अकॉर्डिंग बिग बैंग थ्योरी, ठीक है, अकॉर्डिंग बिग बैंग थ्योरी जो फॉर्मेशन हुआ है वो कितने कितने उसमें हुआ है, तीन स्टेज में। तो देखिए, कभी आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बिग बैंग थ्योरी का क्या कहना है, तो बिग बैंग कहता है कि यूनिवर्स का जो फॉर्मेशन होता है वो थ्री स्टेज में होता है। देखिए, इन फॉलोइंग स्टेज, थ्री स्टेज में होता है, पहली स्टेज, सेकेंड स्टेज और थर्ड स्टेज। ये हम लोग आपसे डिस्कस कई बार कर भी चुके हैं, ठीक है, सो कई बार हम लोग कर चुके हैं कि ये जो थ्योरी है वो क्या है, एक्सपेंडिंग तीन बार में क्या है, बताते हैं तीन बार में क्या है। इसको हम बहुत इजी वर्ड में आपको समझाने की कोशिश करते हैं। पहला ये कि फर्स्ट स्टेज क्या कहता है, फर्स्ट स्टेज कहता है कि देयर इज ए टाइनी बॉल इन स्पेस, एक छोटा सा पिंड है जिसका मैक्सिमम टेम्परेचर है, मैक्सिमम डेंसिटी है। ध्यान सुनिएगा, ये मैं सारा हाँ गुड्डू क्या हुआ, तुम्हारा तो ट्रेन बहुत देर में आता है, पूरा क्लास ही निकाल दिया तुमने तो। तो हमने क्या बोला कि पहला पॉइंट क्या कहता है कि एक छोटा सा पिंड है जिसका टेम्परेचर कवर करे। पहला पॉइंट ये था कि पहली जो स्टेज है उसमें छोटा सा टाइनी बॉल, छोटा सा पिंड है जिसको हम लोग गॉड पार्टिकल कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या बन सकते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे ये बनेगा ये कि यूनिवर्स 100% डेवलप इन थर्ड स्टेज, तीन स्टेज में। पहली स्टेज में क्या हुआ, पहली स्टेज में ये हुआ कि एक छोटा सा पिंड है जिसका तापमान अनंत है और घनत्व भी अनंत है। दूसरी स्टेज में इस छोटे से पिंड में तापमान भी बढ़ता चला गया और डेंसिटी भी बढ़ती चली गई, और जब एक समय ऐसा आया इसमें ब्लास्ट हो गया। तो सेकंड स्टेज, तो बिग बैंग इज रिलेट टू सेकंड स्टेज, ठीक है, ये सेकंड स्टेज से बिग बैंग रिलेट करता है। थर्ड स्टेज कहते हैं, थर्ड स्टेज क्या है, विद इन 3 मिनट, 3 मिनट के अंदर 99% यूनिवर्स का डिजाइन हो गया, ओके, एंड टेम्परेचर डिक्रीज स्लोली स्लोली। तो ये था तीनों स्टेज, पहला टेम्परेचर का बढ़ना, डेंसिटी का बढ़ना, और सेकंड में डेंसिटी और टेम्परेचर की बढ़ने की वजह से उसमें ब्लास्ट हो जाना, और थर्ड में
और विद इन 3 मिनट में 99% यूनिवर्स का डिजाइन हो जाना और धीरे धीरे टेम्परेचर कम होना। अब ये ध्यान रखना है, क्वेश्चन क्या बनेगा आपका प्रीलिम्स में, इन बिग बैंग लास्ट स्टेज गिव ए साइन ऑफ लाइफ। ओके, बिग बैंग की आठवीं तीसरी स्टेज में, तीसरे चरण में हमें जीवन के साइन दिखाई देते हैं, तो ऐसा नहीं है, तीसरी स्टेज में जीवन के साइन नहीं दिखाई देते हैं, पहला सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस उसमें होगा कि बिग बैंग थ्योरी या थर्ड स्टेज, बिग बैंग ऑफ थर्ड स्टेज 100% यूनिवर्स डिजाइन या 100% यूनिवर्स डेवलप्ड या 100% यूनिवर्स ओरिजिन। 100% नहीं हुआ, अभी भी यूनिवर्स एक्सपेंड कर रहा है, अभी भी यूनिवर्स फैल रहा है। तो ये कुछ बातें थी बिग बैंग थ्योरी से। कभी भी आपको बोलेगा कि क्या 100% यूनिवर्स का फॉर्मेशन हो गया है, तो 100% यूनिवर्स का फॉर्मेशन नहीं हुआ है, अभी भी फॉर्मेशन चल रहा है। बिग बैंग थ्योरी यहां समझिएगा, बिग बैंग थ्योरी इज रिलेट नॉट रिलेट टू ओरिजिन ऑफ लाइफ, नॉट रिलेट टू ओरिजिन ऑफ मून, नॉट रिलेट टू ओरिजिन ऑफ ओशियन या कॉन्टिनेंट, दैट इज अ रिलेट टू ओरिजिन ऑफ अर्थ। लाखों करोड़ों बाद बारिश हुई है, लाखों करोड़ों साल के बाद मिट्टी बनी है, लाखों करोड़ों साल के बाद इसमें जीवन आया है। ठीक है, एक ऐसा बहुत लंबा प्रोसेस है। तो ये है बिग बैंग थ्योरी। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे यहाँ पे कि मून, चंद्रमा का डेवलपमेंट कैसे हुआ है। देखिए, द मून इज द ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ। जो पृथ्वी है वो चंद्रमा, जो चंद्रमा है वो पृथ्वी का एकमात्र नेचुरल सैटेलाइट है। नेचुरल का मतलब समझते हैं कि सैटेलाइट हैं वो दो तरह के होते हैं, नेचुरल और मैनमेड। मैनमेड का मतलब है जैसे मंगलयान है, एडुसेट है, ठीक है, जो हम लोग भेजते हैं, जो हम लोग इसरो भेजता है, नासा भेजता है, जो सैटेलाइट भेजते हैं उसको मैनमेड सैटेलाइट कहते हैं, और जो नेचुरल सैटेलाइट है वो। तो अब ये कैसे बना, ठीक है, अब ये कैसे बना इसको समझेंगे। तो बहुत सारी थ्योरी हैं, कि सबसे पहली थ्योरी 1838 में आई है। 1838 में सर जॉर्ज डार्विन ने कहा है कि अर्थ एंड द मून फॉर्म द सिंगल रैपिडली रोटेशन बॉडी। ठीक है, देखो सर जॉर्ज डार्विन ने क्या बोला उसको समझिएगा। सर जॉर्ज डार्विन ने कहा है कि पृथ्वी जिस बॉडी से बनी है, जिस पिंड से बनी है, जिस पदार्थ से बनी है, उसी पदार्थ से चंद्रमा भी बना है। वो कहते हैं कि जैसे जैसे ये अगर ये बोतल है उसको बहुत तेजी से घुमा दें, ठीक है, अगर तेजी से घुमा दें तो इसके इतना तेजी से घुमा दें कि इसका कुछ पार्ट अलग हो जाए। उन्होंने कहा है, सर जॉर्ज डार्विन का कहना है कि जब पृथ्वी बहुत तेजी से घूम रही थी, हमारा नहीं, डार्विन का कहना है, तो पृथ्वी से कुछ पदार्थ अलग हो गया और वो पृथ्वी के चारों ओर घूमने लगा। जहां से वो पदार्थ अलग हुआ है वहीं पर आज प्रशांत महासागर है। तो कभी आपसे पूछेगा कि ये जो बात कर रहे हैं ये एनसीईआरटी में मेंशन है, इसलिए बताना जरूरी है कि सर जॉर्ज डार्विन का थ्योरी क्या है चंद्रमा के बारे में। उनका कहना है कि जिस तरह से पृथ्वी रोटेट कर रही थी उसी स्पीड के रोटेट करने की वजह से उसमें से कुछ मटेरियल बाहर निकल गया और वो मटेरियल चंद्रमा के चारों ओर रोटेट करने लग गया। ठीक है, इसी को कहा गया मून। और जहां से चंद्रमा अलग हुआ है वहां पर आज प्रशांत महासागर। ठीक है, तो ये था जैसे ये है, ठीक है, आप स्क्रीन पे देख ही रहे होगे चंद्रमा ये है। तो चंद्रमा का इन्होंने बोला कि यहां से अलग हुआ और ये चंद्रमा बन गया, सारी बातें तो ठीक है। फिर वही
क्रिटिसिज्म एक ही बात का आता है, आलोचना एक ही बात को होती है कि इफ मून इज अ पार्ट ऑफ अर्थ देन व्हाई एटमॉस्फेयर डिफरेंट. एक ही पार्ट से बनते हैं, ऐसे हमारा बॉडी है, हमारे बॉडी से कहीं से भी आप डीएनए निकालोगे तो सेल निकलेगा. अब हमारे बॉडी में चाहे फिंगर से ब्लड लो चाहे पैर की फिंगर से ब्लड लो, सेम होगा ना, ऐसा तो नहीं है यहाँ पर ओ पॉजिटिव है यहाँ वहाँ बी निगेटिव होगा, पूरी बॉडी में सेम ना है प्रॉपर्टी. ठीक है, सेम डीएनए है, सेम ब्लड ग्रुप है, सारा कुछ सेम है. तो जब जो बॉडी पृथ्वी से अलग हुई तो उस पर लाइफ क्यों नहीं है ना, ये एक क्वेश्चन है. तो इस पर क्रिटिसिज्म कर सकते हैं. और साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है वो हर किसी का आंसर देता है. अब अगर आपको इसका आंसर ही देना हो तो क्या करोगे आप, क्या इसका आंसर आपके मन में होगा कि ये ऐसा क्यों हुआ. देखो सिंपल और सिंपल सा पॉइंट हम आपको बताते हैं. पृथ्वी का साइज बहुत बड़ा है, चंद्रमा का साइज बहुत छोटा है. ठीक है, तो अगर हमें आंसर ही देना है तो जो अगर साइज छोटा है चंद्रमा का तो उसका अट्रैक्शन भी कम होगा. ध्यान से समझिएगा, हम आपको ये डिस्कस कर रहे हैं कि वाई गैस कंपोजिशन डिफरेंट ऑफ मून. उसका अगर आपको जवाब ही देना हो और सेटिस्फेक्शन वाला जवाब देना हो, संतुष्टि वाला, तो क्या होगा. साइंस है तो आप या तो आप नहीं जवाब दे पा रहे हैं, इसका मतलब आपको नॉलेज नहीं है, वरना साइंस हर किसी का जवाब देता है ना. तो साइंस के हिसाब से आप समझोगे तो पृथ्वी का आकार साइज और मून का साइज अलग अलग है. तो मून का साइज छोटा है तो इसलिए मून का जो गुरुत्वाकर्षण बल है, मून का जो अट्रैक्शन है, वो पृथ्वी से कम है. ठीक है, और जो वायुमंडल है वो अट्रैक्शन की वजह से पृथ्वी के चारों ओर है. ठीक है, इसमें हो सकता है कि जो मून का अट्रैक्शन है, जो मून का मास है, वो पृथ्वी से कम है. तो इसलिए जो पृथ्वी पर गैसेस हैं, जो पृथ्वी पर गैसों का कंपोजिशन है, वो मून पर नहीं है, है ना, क्योंकि पृथ्वी जैसा मास नहीं है, तो पृथ्वी जैसा भार नहीं है. तो पृथ्वी अर्थ के जैसा मास नहीं है, अर्थ के जैसा भार नहीं है, तो अर्थ के जैसा अट्रैक्शन भी तो नहीं है. अर्थ के जैसा अट्रैक्शन नहीं है जिसको आप लोग गुरुत्वाकर्षण कहते हो, तो हो सकता है उसने CO2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन उतनी नहीं अट्रैक्ट कर पाई, है ना. तो ये इसका साइंटिफिक जवाब है. साइंस हर किसी को रिप्लाई करता है, बस आपको रिप्लाई करना आना चाहिए. तो ये था, ये पॉइंट थे कुछ साइंस के, और इनसे आप समझ गए होंगे कि कैसे हमने थ्योरी यहाँ से आज क्लास शुरू की है. गुड्डू आपकी क्लास काफी मिस हो गई है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपका पूरा वीडियो आपको मिल जाएगा और जो भी हमने डिस्कस किया है इसका नोट्स भी हम आप देंगे. ठीक है, ये PDF में मिल जाएगा, हम ग्रुप में भेज देंगे. हमने कुछ आज इस तरह से बनाया था, ये चीज़ें थी हमारे में. तो ये बेटर रात में हम बनाएंगे, ये हो सकता है 12-1 बजे तक आपको मिल पाए. तो ये जो हमने ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स की बात की है और ये वेबसाइट पे सर हिंदी मीडियम में सब कर दिया, हिंदी मीडियम में मिलेगा. ठीक है, बिल्कुल हिंदी मीडियम में मिलेगा, ये इंग्लिश में भी रहेगा, हिंदी में भी रहेगा, PDF में रहेगा. तो बस ये कि आज 11-12 बज सकते हैं, रात में मिल जाएगा आपको. ठीक है, तो कल हम लोग टॉपिक करेंगे, यहाँ पे कल नेक्स्ट टॉपिक भी लिखा हुआ है, देखो कॉन्टिनेंट ड्रिप थ्योरी. तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो रहेगा वो कॉन्टिनेंट ड्रिप थ्योरी वाला रहेगा, तो कल हम लोग करेंगे. ठीक है, आज का गुड्डू आपका क्लास छूट गया है, आज ये वीडियो अभी हम मतलब 7 बजे तक अपलोड कर देंगे. अभी क्लास 5:30 बजे से या 6 बजे से रखेंगे, 6 बजे से क्लास वो भी होगा हमारा. तो अगर लिंक अभी नहीं गया होगा तो 6 बजे करवा देंगे. 8 बजे तक आपको वीडियो मिल जाएगा. ठीक है, पहले भी मिल सकता है, 8 बजे तक तो मिल ही जाएगा. तो गुड्डू क्या बात है, तुम्हारा क्लास कैसे छूट रहा है, क्या दिक्कत है?